मगर क्या शाहबुद्दीन के साथ जो हुआ वही होने वाला आजम खान के साथ भी। वो बाहर आके खा खा के मोटी भैंस हो गई समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो स्तंभ होते थे समाजवादी पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी के चल। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं सच की आवाज। साहिल पे खड़े लोग कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर उधर देख रहे हैं। तुम फकत न देखो मेरे पांव के छालों को, हम तो खुद ही आगे का सफर देख रहे हैं। आदवी प्रज्ञा आतंकवाद के केस के अंदर जेल में थी और वो बीमारी का बहाना करके जेल से जमानत लेके बाहर आ सकती है। वो बाहर आके खा खा के मोटी भैंस हो गई, कभी साइकिलिंग करती है, कभी वो फुटबॉल खेलती है, कभी डांस करती है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तब उसको जेल वापस नहीं जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज है। इसलिए वो नाचती फिरेगी सारे में और चिढ़ाएगी लोगों को कि देखो मेरा क्या बिगाड़ सकते हो तुम। मगर आज मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जो किसी से भी पहचान का मोहताज नहीं है, आजम खान की, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो स्तंभ होते थे समाजवादी पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी के चलते हुए जो उनको दंश झेलने पड़ रहे हैं, जो उनको तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, फर्जी कागजातों के केस में, भू माफिया केस के अंदर, बकरी चोरी का केस, भैंस चोरी का केस, किताबें चोरी का केस, मुर्गी चोरी के केसों के अंदर उनको आज भारतीय जनता पार्टी के चलते हुए राजनीतिक द्वेष के चक्कर में जेल की हवा खा रहे हैं और जेल में उनका स्तर और तबीयत दोनों दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। मगर अखिलेश यादव भी कोई संज्ञान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्या सपोर्ट कर रहे हैं आजम खान को, ये भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा। मगर फिलहाल ताज़ा खबर ये कि उनको जब हॉस्पिटल के अंदर पिछले हफ्ते भर्ती कराया गया, आनंद फानंद में उनको छुट्टी दे के आधी अधूरी तबीयत में जेल में वापस डाल दिया गया, मगर दो ही दिन बाद फिर उनकी तबीयत ज्यादा नासाज हुई और फिर उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया गया है। और इसी को देखते हुए कि क्या शाहबुद्दीन के साथ जो हुआ वो ऊपर वाला जाने, मगर क्या शाहबुद्दीन के साथ जो हुआ वही होने वाला है आजम खान के साथ भी। वैसे भी इस समय यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है और उस पर से योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जो अपना बाहुबल और अपना दस का दम दिखाकर लोगों को डरा धमका के रखना चाहते हैं। वह अपना भूल गए कि एक दिन संसद के अंदर किस तरीके से गिड़गड़ाए थे, वो रोए थे। योगी जी, लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ, मगर आज यही पूरी हरकत बदले की भावना से कर रहे हैं लोगों के साथ। जो आजम खान को जेल के अंदर डाल के रखा हुआ, इतनी बुरी हालात के अंदर भी उनको जमानत मिलनी चाहिए, मगर बाकी माननीय कोर्ट का फैसला है, वो जो करेंगे सर पर नंबर वन वो ही रहेगा अंत में। और लोगों को सताना बंद कीजिए, वरना 2022 के अंदर तो तय है कि आप यूपी के अंदर सत्ता आपकी नहीं आएगी और 2024 में पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा, जनता की आंखें खुलगी, तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।